हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं अगेन आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा डी फेस पैक लेकर आई हूँ इसे आप फेस स्क्रब भी कह सकते हो क्योंकि इसे मैंने टमाटर के पल्प से बनाया है अगर आप फाइन टमेटो प्यूरी मतलब टमेटो का जूस लेंगे ना तो आप अच्छे से इसका फ़ेस पैक भी बना सकते हो लेकिन क्योंकि मैंने इसका पूरा पल्प यूज़ किया है तो इसलिए बहुत अच्छे से फेस पैक की तरह आपके चेहरे पर चिपकेगा नहीं जैसे जैसे वो ड्राई होगा अपने आप गिरता जाएगा और जब आप इसे स्क्रब करेंगे ना तो भी ये मतलब ये स्क्रब की जो टेक्स्चर होता है ना उस तरह से है तो आपको एक टमाटर का पूरा जूस लेना है मैंने पल्प लिया है आप जो चाहे वो ले सकते हैं उसमें आपको चावल का आटा मिलाना है मैंने घर पर ही राइस फ्लार बना कर रखा है तो मैंने वो लिया है और उसमें डाला है शहद क्वांटिटी आप ऊपर नीचे कर सकते हो हमें अल्टीमेटली एक एक टेक्सचर चाहिए फेस पेक का फेस स्क्रब का तो आप देख सकते हो आपको कितना क्या मिलाना है तो अभी यहाँ पर मैं अच्छे से चेहरे पर स्क्रब करते हुए मसाज करते हुए अप्लाई कर रही हूँ और अब मैं जब अच्छे से स्क्रब हो जाएगा ना इस तरह से कहना जब हम मसाज करते तो जहाँ पर भी डेड स्किन जमी हुई रहती है वो निकल जाती है अगर हम लगा कर सिर्फ छोड़ देते हैं तो वो उतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं देता है जितने अच्छे से आप उससे मसाज करते हैं तो और मैं हमेशा कहती हूँ नोज़ के आइट साइड वाला एरिया लिप्स के आइट साइड वाला एरिया चिन पर गले पर नेक पर अगर आपको पीछे की साइड ब्लैक Uh, uh, मतलब जो ब्लैक स्किन हो जाती वैसा है तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें अच्छे से मसाज करते हुए मैं यहाँ पर वीडियो बनाती हूँ इसलिए मैं uh, पूरी जगह अप्लाई करते हुए नहीं दिखाती हूँ लेकिन मैं अच्छे से सब जगह अप्लाई करती हूँ नहाने से पहले तो बस यहाँ पर मैंने 10 से 15 मिनट रख लिया था आप चाहे तो इसे 20-25 मिनट भी आराम से रख सकते हो जब तक ये ड्राई होगा लेकिन मैं सुबह लगाती हूँ इसे तो इतना टाइम नहीं होता है और हाँ बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं रहता है हमारे पास तो टाइम मेरे पास भी नहीं रहता है आपको इसे अलग से बैठ सुखाना नहीं है आप इसे अप्लाई कर लो और आप अपना काम करते रहो ठीक है अगर वो पूरी तरह से ड्राई नहीं भी हो रहा है तो ठीक है चल जाएगा अगर आप रेगुलरली अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे तो आपको एक ही बार में सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी तो मैं भी यही करती हूँ मेरा भी छोटा बच्चा है ऑफ़िस जाना होता है मुझे सुबह तो बस इसी तरह से मैं करती हूँ कि बस अप्लाई कर लेती हूँ और उसके बाद अपने काम में काम में लग जाती हूँ अभी ठंड आएगी तो ठंड में ऐसा रहेगा कि अपने आप फटाफट -पट से जो भी हम लगाते हैं वो ड्राई हो जाता है लेकिन अभी जो सीज़न है उसमें बहुत मुश्किल है कि कोई सा भी फेस पैक आप चलते फिरते ड्राई कर सको क्योंकि स्वेटिंग भी उतनी ज़्यादा होती रहती है तो बस मैंने अच्छे से जो एक स्पॉन्ज है मेरे पास उससे पूरे चेहरे को अच्छे से वाइप कर लिया है फिर धो लिया है और फिर अब मैं यहाँ पर गुलाब जल अप्लाई कर रही हूँ इसके बाद मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हो लेकिन आज जो चीज़ें हमने लगाई है शहद से तो अच्छे से स्किन जो है मॉइस्चराइज हो गई है तो मैंने सिर्फ गुलाब जल अप्लाई कर लिया है और इसके बाद वैसे भी मैं नहाने वाली हूँ ये बस मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बता रही हूँ तो बस इसके बाद आपको जब आप अगर नहाने के पहले ये कर रहे हो नहा रहे हो तो उसके बाद अच्छे से टोनर मॉइस्चराइजर अप्लाई करिएगा और आप देख सकते हो कितना अच्छा निखार आया है मेरे फेस पर इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बाय टेक केयर